नमस्कार, मैं कुमार ध्रुव बोल रहा हूं। कुमार ध्रुव बोल रहा हूं, एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी उम्र 64 साल हो गई है, पर मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी विपदा इस मुल्क के ऊपर कभी नहीं देखी है कि आदमी से आदमी टूट जाए, कभी नहीं देखी है। बाप बेटे की अर्थी ना दे सके, बेटा बाप को कंधा ना दे सके क्योंकि बैन लग गया था। मुझे ये कहना है कि ये कोरोना और अभी अभी जो चला है ओमिक्रॉन, असली में ये बीमारी, इस बीमारी से मरने वाले मात्र 1.3% लोग हैं। ओनली 1.3% लोग हैं जो इस बीमारी में मर रहे हैं, और कहीं इससे ज्यादा तो दूसरे बीमारी से लोग मरते हैं। लोग दूसरी बीमारी में कितने परसेंटेज मरते हैं लोग, है कि नहीं, आप जानते होंगे। जैसे हर रोज हमारे देश में एक्सीडेंट में कितने लोग मर रहे हैं। कल ही का हादसा देखिए, किसको पता था कि हमारे CDS जो हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब, जनरल विपिन रावत साहब, हेलीकॉप्टर में मौत हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे माधवराव सिंधिया जी का भी हुआ था, या फिर रेल एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो कोरोना से ज्यादा इनमें मौत होती है या कोई दूसरी बीमारी से मौत होती है। हर रोज रेल एक्सीडेंट होता है। तो मेरा ये कहना है कि सोशल डिस्टेंस खत्म मत करो, सिर्फ मन की दूरी खत्म करो। सोशल डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मन की दूरी, सोशल डिस्टेंस रखो, लेकिन मेरा ये कहना है कि तन की दूरी कायम रखो, सोशल डिस्टेंस खत्म मत करो। पहली बात, मन की दूरी अगर रखोगे तो जिसको कोरोना हुआ है ना, वो टूट जाएगा। आज अगर मुझे कोरोना हो जाए, अगर आप, सच कहता हूं, आप अगर मुझसे मन की दूरी रखोगे तो मैं टूट जाऊंगा। हाँ, तन की दूरी रखिए, उसको कायम रखिए, ठीक है, होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन मन की दूरी मत रखो, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का मतलब है मन की दूरी। ये बार बार बोला जा रहा है किनके माध्यम से, ये न्यूज़पेपर, ये टीवी चैनल। एक काम करो, मैं कहता हूं इसका सोल्यूशन क्या है। एक काम करिए, आप ना टीवी देखें ना अखबार पढ़े, सही बोल रहा हूं, मात्र 2 करोड़ लोगों को, 130 करोड़ लोगों में से मात्र 2 करोड़ लोगों को हुए हैं कोरोना ग्रसित, उसमें से मात्र 2% से भी कम लोग की मृत्यु हुई है। और इस दशा में देखा जाए कि 135 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ, परसेंटेज कितना है, और 2 करोड़ में से 1.2% लोगों की ही मृत्यु हुई है ना। तो आप बताइए, ये टीवी चैनल वाले अपना TRP बढ़ाने के लिए और न्यूज़पेपर वाले एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करने के लिए इसको हवा बना के रख दिए हैं।
तो आप, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए और न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए। कोरोना एक समस्या है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, कोरोना एक समस्या है लेकिन एकमात्र समस्या नहीं है, समस्या और भी है, बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, उसके बाद करप्शन, उसके बाद पॉपुलेशन। देखिए तीन शन है, पॉपुलेशन, करप्शन, है ना, पॉपुलेशन करप्शन, और उसके साथ साथ ये जो चीजें हैं एजुकेशन, तीन शन। अनएजुकेटेड है लोग हमारे देश में, बहुत सारे लोग, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन पहली बात, एजुकेशन दूसरी बात, और तीसरी बात करप्शन। ये अगर दूर हो जाए तो हमारा देश सुधर जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए। ये कोरोना 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 करते रहते हैं ना, आपके और हमारे लिए नहीं करते हैं, ये अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। अभी ओमिक्रॉन भी आ गया तो उनको मजा आ गया, हर चैनल में चालू कर दिए। और तो जो दुख का खबर है, हमारे सीडीएस विपिन रावत जी का देहांत हो गया एक्सीडेंट में, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, तो उसको भी खूब टीआरपी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है मीडिया वाले सगे नहीं होते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय।